आज आपके सामने भी हम इसकी सुस्ता को एकदम पूरी शक्ति से, पूरे हृदय से प्रकट करते हैं। दरअसल पूरी आजादी के बाद से ही हिंदुस्तान में जो व्यवस्था कायम हुई है, उस व्यवस्था को बहुत पहले से ही एहसास हो गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है भारत को, वो कई बार उनके हित में नहीं जाता है। उसमें जो नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, सिविल लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स, वो कई बार उनके हित में नहीं जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि किसी तरह से इन स्वतंत्रताओं को बाधित किया जाए, और इसके हम बहुत सारे उदाहरण देख चुके हैं आजादी के बाद से। जब हमने जनवरी संघ का गठन किया तो सबसे बड़ी रिसर्च यही की कि क्या चुनौती है आजाद भारत में हम सब लेखकों के सामने, और वो चुनौती क्योंकि इमरजेंसी के अनुभव से हम गुजर चुके थे, तो हमने देखा कि सबसे बड़ा खतरा इस देश में जनवाद को है, इसी बूर्जुआ लोकतंत्र को है, और किनसे है, जो सत्ता के पीछे सबसे बड़े वर्ग हैं, मोनोपोली कैपिटलिज्म है, सामंत है, ये नहीं चाहते हैं कि भारत की जनता को ये जनवादी अधिकार मिले। तो इसलिए कल के बयान में आपने देखा होगा कि हमने डाला है कि भारतीय संविधान में इनको ये आजादी मिली हुई है कि ये आलोचना करें, और आलोचना करना हमारा समय जनवादी अधिकार है, इसकी रक्षा करना हमारा सबका भी कर्तव्य है, और हम उसके लिए संघर्षरत हैं सभी जगह। नागार्जुन को एक कविता पढ़ने के लिए मन कर दिया, काफी दिन बंद रहे, बहुत सारे लोगों के साथ रोज ही घटित होता रहा, होता रहेगा। अभी जब तक ये व्यवस्था है, इसमें आजादी जो उन वर्गों के खिलाफ उनकी आलोचना करेंगे, और अब तो जब बढ़ रही है ये इनटॉलरेंस बढ़ रही है, पूरे समाज में भी बढ़ रही है, जाहिर है उसका रिफ्लेक्शन रूलिंग क्लासेस और रूलिंग पार्टीज में भी होगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो उसका ध्यान दिलाना चाहता हूँ इशारे के तौर पर, वो ये है कि ये आत्मालोचना भी आप समझ सकते हैं कि हमारी दृष्टि ज्यादा दृष्टि जाती है इंडिविजुअल्स पर। किसी भी एनालिसिस को हम करें तो हम फौरन इंडिविजुअल्स पर पहुंचते हैं, और वो जो चोर है असली, जो व्यवस्था है, उसको भूल जाते हैं। जब तक हम उस व्यवस्था के मर्म को, उसके चरित्र को, उसकी बारीकियों को नहीं समझेंगे, तो इंडिविजुअल्स से ही हम काम चलाते रहेंगे। और ये रोज फैलाया जा रहा है समाचार पत्रों, मीडिया के दूसरे चैनल से, उनके द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि अगर भारत का उद्धार करेगा तो एक इंडिविजुअल वो नामो हो सकता है, वो और कोई रामो हो सकता है, इंडिविजुअल करेगा उद्धार, और वर्ग जो है, जो शासक वर्ग है, उन्हें हम भी भूलते रहते हैं, लिखने वाले भी भूलते रहते हैं, इंडिविजुअल को दर्श जाती है। ये भी थोड़ा बदलना पड़ेगा अपने को, उन बारीकियों में जाकर के एक सोशल साइंटिस्ट की तरह से एनालिसिस हमको करना पड़ेगा कि इस बीमारी का असली कारण कौन है। इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो एक बेहतर चेतना हम फैला सकेंगे आवाम के भीतर, अपने पाठकों के भीतर, कि वहां भी देख लिया कोई फैला देंगे, वो आपके सामने लोग आप इसको चुनो, अगर आप इस इंडिविजुअल से तंग आ गए तो लोग आपके बाद इसको हम दे रहे हैं, तो बनाया जा रहा है, एक हिटलर पैदा किया जा रहा है, जो आपके नागरिक स्वतंत्रताओं को, आपके भाईचारे को, आपके आपसी प्रेम को खत्म कर देगा, उसने किया है, सारा लगा हुआ है, पूरा मीडिया तंत्र, प्रचार तंत्र लगा हुआ है। ये देखो ये बहुत बढ़िया, बाबा रामदेव बोल रहे हैं जो बहुत बढ़िया, एक अध्याप गुरु कोई बोल रहे हैं तो भाई बहुत बढ़िया, ये नमूना हम लाते हैं कौन, वो भी नहीं बताएगा कि वो जो पॉलिसीज है वर्ल्ड बैंक की और IMF की और विश्व की जो वित्तीय व्यवस्था है जो चला रही है समय सारे देशों को, स्वतंत्र को, उसके
के बारे में उसका क्या ख्याल ये नहीं बताया और उस शौरी ने सारे पब्लिक अंडरटेकिंग थे उनको लाइन लगा दी थी उनको बेचने के लिए पूंजी पत्तियों को, इसके बारे में क्या कहेगा वो नहीं बेचेगा, ये भी बेच रहे हैं वो भी बेचेगा, तो ये इन पे कोई नहीं आ रहा है, पहले से तैयार हो रहा है ये पीएम होगा, क्या हुआ संविधान का, संविधान तो कहता है कि जो चुनके आएंगे जनता जिनको चुनके बेचेगी वो तय करेंगे कौन होगा पीएम, नहीं पहले से होता, वो जो इसमें लगे हुए हैं उसे बनाने के चक्कर में वो ये नहीं बता रहे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन होगा, चुनके आएगा जो बताएगा उसे पीएम, उनके नाम नहीं बता रहे, उसके नाम आज बताए तो कल से झूठे चलने शुरू हो जाएंगे और जिसे बनाना चाहते हैं बने गए व्यवस्था पीछे जो उपस्थित है जो डार्क फोर्स पीछे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं उनका उद्घाटन